जा रहे हैं। How would you assess the post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ऐसा होता है कि हमें कम सीट मिलती है और हंग असेंबली आती है तो हम किसी भी पार्टी जो लोग हमें वोट कर रहे हैं जी वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से तंग आके वोट कर रहे हैं। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट लेंगे। मतलब एक और चुनाव का बोझ आप दिल्ली की जनता पर डाल। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें एक सरकार बनाने के लिए उसकी कुंजी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? हम सत्ता के लालच के लिए अंदर नहीं जा रहे। अगर हम सत्ता के लालच के लिए अंदर जाते तो आज मैं इस यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ आपको गोलमोल बात कह देता, नहीं देखेंगे अगर जनता का ऐसा ही हुआ तो गठबंधन का देखेंगे, पर हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम कि अन्ना जी का आंदोलन है ये। अन्ना जी तो इनकैश नहीं कर रहे, अन्ना जी तो उनकी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना जी पार्टी में होंगे? अन्ना जी ने अनाउंस किया है कि वो बाहर से रह के मॉरल फोर्स का काम करेंगे। उस दिन अगर आप उनका भाषण सुने लास्ट डे वाला, उन्होंने कहा कि मेरे साथी संसद में जाएंगे और मैं बाहर से इनके कान खींचूंगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लॉग आया, उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे मैं भी अपने आप को अलग कर लूंगा, बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। तो अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। आपने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से तो एक एसएमएस मेरे पास आया, कसम से बहुत याद आओगे तुम केजरीवाल, वो तेरा मेट्रो में जाना, वो रुक रुक कर नजाकत से खांसना, वो तेरा नीली वैगन मारुति कार का दीवानापन, वो करीने से मफलर का लपेटना, वो बात बात पर धरने पर बैठना, वो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो नटखटपन, वो हर बात पर जिद करना, वो गिरगिट सा रंग बदलना, वो जनता का बिजली पानी करना, वो पूरी दुनिया को चोर बताना, वो झाड़ू मारते मारते खुद कचरा हो जाना, याद रहेगा केजरीवाल, कसम से तुम बहुत याद आओगे। टाटा स्टील से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गए, आमरण अनशन से भाग गए, जनता से डरकर भाग गए, मुख्यमंत्री पद से भाग गए। इतना भागते क्यों भाई? भाग मिल्खा भाग का पार्ट टू बनाना है क्या? एक एक झाड़ू की औसत उम्र वैसे 40-45 दिन होती है, केजरीवाल तुमने तो ये साबित कर दिया। मफलर वाले ठंड में आए और ठंड में ही चले गए, एक गर्मी तो देख लेते यार। फिर केजरीवाल उनका सपोर्ट करते जो भारत माता के खिलाफ नारे लगाते, जो आतंकवाद की फेवर में बोलते हैं, जो कहते हैं कश्मीर को आजादी मिले, जो कहते हैं अफजल गुरु हर घर में घर घर में पैदा होना चाहिए। कल को कहीं केजरीवाल जी और ऊपर चले जाते बन जाते तो देश के टुकड़े नहीं होंगे। ये तो बड़े मजे के साथ कश्मीर को तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आईएसआई को तो ऐसे दे देंगे जी आप कश्मीर ले लो। नहीं, ये हकीकत है, मैं आज आपको बता दूं, हिंदुस्तान के लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर दिल्ली की सरकार लोगों ने बना के दी तो चलाए ना सरकार को, ऊपर उसका फोटो, नीचे पगड़ी में केजरीवाल की फोटो और नीचे और वहां के लोगों की फोटो। कल को पंजाब इनको मिल जाता है तो पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे ये। यहां कश्मीर आजाद कराने की बात होगी, वहां खालिस्तान की बात होगी। फिर कहेंगे मोदी डंडा चलाता है, तो डंडा नहीं चलेगा तो क्या होगा, ऐसे काम क्यों करें? ये भारत हमारा एक सेकुलर मुल्क है, ये भारत भारत है,
कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर की चर्चा नहीं छिड़नी चाहिए। कश्मीर हमारा हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ।